अस्सलामुअलैकुम, मलाई चिकन हंडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खाने में बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आने वाला ये चिकन की हंडी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आने वाले हो, पार्टी फंक्शन हो, तो इस तरह से ये बनाइएगा, सभी को बहुत पसंद आएगी। और साथ ही साथ अब लोग आपसे पूछेंगे कि आपने ये रेसिपी कैसे बनाई। तो ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 600 ग्राम चिकन, जिसे अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। अब हम मैरिनेट करने वाले थे, नमक इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 100 ग्राम दही। मिक्स कर लेंगे और अब हमें इसे रख देना है लगभग मैरिनेट करने के लिए आधे घंटे तक। तो चलिए दही, काली मिर्च और नमक डालकर हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे आधे घंटे तक मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम इसका मसाला तैयार करने वाले हैं। तो 1 टीस्पून हम एक पैन में तेल गरम करने रख देंगे, उसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, और ये प्याज को हमें भुनना है। तो यहाँ पर साथ में मैंने 3 हरी मिर्च भी डाल दी है। अब हम प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे, तो चलिए प्याज को सॉफ्ट होने तक भून लेते हैं। तो प्याज जब हमारी हल्की सॉफ्ट हो जाएगी, तब हम इसमें ऐड कर देंगे 8 से 10 काजू। मिक्स कर लेंगे और काजू और प्याज के ऊपर हल्का सा देखिए इस तरह से गोल्डन कलर आने देंगे। तो ये हमारा मसाला तैयार है। अब हम एक कढ़ाई या पैन गरम करने रख देंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून तेल, और साथ में हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून बटर। जब बटर इस तरह से मेल्ट होने लगेगा, तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 लौंग, साथ में ऐड करेंगे 3 हरी इलायची और 2 से 3 काली मिर्च। मिक्स कर लेंगे। तेल में अच्छा सा गरम मसाले का फ्लेवर जब रिलीज़ हो जाएगा, तब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे 2 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसे भी हम भून लेंगे। तो लगभग आधे मिनट के लिए हम अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी भून लेंगे, देखिए इस तरह से। तो ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भून लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा था चिकन वो। तो चलिए मैरिनेटेड चिकन हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अब चिकन को भी हम यहाँ पर भूनेंगे। तो चलिए चिकन को अच्छे से भून लेते हैं, क्योंकि चिकन में दही है, चिकन का भी खुद का पानी रिलीज होगा। तो पहले हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से देखिए मिक्स करते हुए भूनना है, क्योंकि अभी हमें इसे गलाना है। तो हम इसी दही और चिकन के पानी में चिकन को गलाएंगे। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट जब आप भूनेंगे ना, तो इस तरह से पानी रिलीज़ हो जाएगा। तो जब इस तरह से पानी रिलीज़ हो जाएगा, तब हम इसे गलने के लिए रखेंगे। तो ये मैंने अच्छे से एक मिक्स दे दिया, और मिक्स करने के बाद यहाँ पर ये देखिए आधा पानी ड्राई हो गया है। तो मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा था इसे, तो लगभग मैंने यहाँ पर 10 मिनट के लिए पकाया है। अब हम इसे और पकने देंगे ताकि पूरा पानी ड्राई हो जाए, और उसके साथ साथ हम यहाँ पर प्याज और जो हमने हरी मिर्च काजू का पेस्ट बनाया था वो भी ऐड कर लेंगे। तो 10 मिनट मैंने रखा था, हल्का हल्का जब पानी रह गया है इस तरह से, तब मैंने इसमें पेस्ट ऐड कर दिया। थोड़ा सा पेस्ट का भी हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। मिक्स कर लेंगे, तो ये हमें इसे मिक्स कर लेना है। ये अच्छे से देखिए हम मसाले को भी मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से ये पक्का तैयार होने वाला है। अब हम इसे फिर से देखिए मैंने पका लिया है 10 से 15 मिनट के लिए। चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है, जैसे आप देख सकते हैं पानी भी अभी इसमें से ड्राई हो गया है। तब हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर भी ऐड करेंगे, और इसे मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इसे मिला देते हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी अभी हमारी तैयार होने वाली है चिकन मलाई हंडी। तो अब इसमें से तेल और बटर को हम रिलीज़ होने देंगे। तो इस तरह से जब हम मसालेदार कर भुनेंगे ना, तो तेल इसमें से रिलीज़ होने लगेगा। ये देखिए हल्का हल्का तेल रिलीज़ होने लगा है। तो इसे मैं बहुत अच्छे से भूनूंगी, ताकि इस तरह से देखिए पूरी तरीके से तेल रिलीज़ हो जाए। जब इस तरह से पूरी तरीके से देखिए तेल रिलीज़ हो जाएगा, मतलब हमारी अब ये चिकन मलाई हंडी तैयार है। तो उससे पहले हमें इसमें डालना है मलाई, क्योंकि इसका टेस्टर हम टेक्सचर भी हमें स्मूथ करना है, और साथ ही टेस्ट भी बढ़ाना है। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी, और साथ ही में इसमें मैंने डाल दिया है 3 टेबलस्पून मलाई, और साथ में इसमें मैंने ऐड कर दिया है ये रेड चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, और मिला देंगे। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं और भूनते हैं फिर से तेल छूटने तक।
तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा ये तेल छूटने तक मैंने फिर से भुना है सारे मसालों के साथ। जब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे, मलाई ऐड करेंगे, रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, इसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसे हमने इस तरह से भुनना है और फिर भुनने के बाद हमारा ये बिल्कुल रेडी है चिकन मलाई हंडी। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर ये तैयार होता है, ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल इसकी थिक ग्रेवी रहेगी और खाने में भी रेस्टोरेंट से अच्छा रहेगा। तो ये मैंने गर्मा गर्म सर्व कर लिया, गार्निश कर लिया कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही साथ जूलियन कट किए हुए अदरक के साथ। और ये हमारी डिलीशियस सी चिकन मलाई हंडी बनकर तैयार है, जो खाने में है बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।